हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और एक क्विक इंट्रोडक्शन कि मुझे ICICI बैंक से एम स्वाइप मशीन मिली है। मैंने अप्लाई किया था तो मुझे मिली है और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, पर ट्रांजैक्शन कुछ होगा, लेकिन मतलब मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी। मुझे अभी तक तो कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ी, आगे का मुझे पता नहीं। लेकिन या ICICI बैंक ने एक तरह से मिले ना साइलेंट इन्वेस्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब काफ़ी हेल्प मिली है मुझे ICICI बैंक से। और बस ये एक पर्सन आए हैं, उन्होंने मुझे पूरा बताया था कि आए हैं नहीं आए थे वो, जो आपको आगे क्लिप्स में दिखाएंगे अनबॉक्सिंग वगैरह, उन्होंने पूरा बताया कैसे सिम इंसर्ट हुआ, कैसे है सारा, जो पूरा डिटेल है वो सब आपको आगे वाले वीडियो में नज़र आएगा। तो या थैंक यू ICICI बैंक। और ये मशीन्स आपने शॉप्स में देखी होंगी, शॉप तो नहीं लेकिन कहीं और मुझे इसकी ज़रूरत है, कहाँ वो आपको आगे अगले वीडियोस में पता चलेगा। तो या करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं अनबॉक्सिंग एम स्वाइप मशीन की। थैंक यू जी, आप करते हैं। हाँ, आप करते। सो गाइस, ये आज मेरी POS मशीन आ गई है, एम स्वाइप मशीन आ गई है, रिटेल के लिए जो बहुत ज़रूरी होती है कार्ड स्वाइपिंग के लिए। तो धीरे धीरे चीज़ें शेप में आ रही हैं। अभी मुझे डेमो देंगे कि कैसे यूज़ करते हैं इसको। ICICI बैंक से ही मंगवाई है मैंने, ICICI बैंक ही हेल्प कर रहा है सबसे ज़्यादा मेरी। ये तो पावर बटन है, जस्ट प्रेस कर देते रिवर्स ऑन होता है और पेपर रोल डालने का। ओके, प्रेस कर देते हो आना तो होने जाएगा, पेपर ओपन करके एक पीस बाहर आना, क्लोज कर देते। ओके, कोई आपका फ्रेंड्स का कोई चाहिए तो मेरा नंबर आप कॉन्टेक्ट कर देते, हम दे सकते। बस अभी ये तो 15 मिनट्स बाद में ऑटोमेटिक बंद होता है। okay. ये पावर बटन जस्ट प्रेस कर देते ऑन होता है, ऑन होने के बाद आपको यूजर आए तो okay. ये तो रेगुलर नहीं आते, एक एक बार लॉग आउट होता है, लॉग इन के बाद यूजर मतलब अभी आप ऐप डाउनलोड करने के क्या कर दिया, मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल, सेम ऑप्शन इसमें डालना है। ओके, एक मिनट, इधर नेटवर्क आना। मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड नंबर, एंटर यस एंड पासवर्ड,
एंटर, बाद में अब कौन सा कंपनी से बुक करे उनका नाम आता है, बाद में एंटर। अभी सेल वाला आया, जो कस्टमर आया, सम अमाउंट सेल्स करना है तो सेल्स वन, ओके, अमाउंट ओके, इधर 20 पैसा 25 पैसा 0 2 रुपीज 50 पैसा, नहीं नहीं और एक बार 0 प्रेस कर दिए, और अभी 25 रुपीज, ये तो 250 है, ये तो 2500 ऐसा। मैं पहले एक डेमो देता है, सो मैं सेल्स वन, कस्टमर का अमाउंट समथिंग, एंटर, ये तो रेफरेंस का नंबर, जो कस्टमर कार्ड यूज कर देता ना उस टाइम में उनका अकाउंट से कट होकर मैसेज भी चाहिए तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। बाद में एंटर कर दे तो सो कस्टमर कार्ड देता, कार्ड में चिप पे तो नीचे से डालना, पूरा नीचे जाना, ठीक है, और चिप विथ वाईफाई सिंबल है तो अमाउंट टैप इधर कर सकते हैं, टैप कैसे कहाँ पर ऊपर, नहीं तो स्वाइपिंग है तो इधर से स्वाइप कर सकते हो, ओके, पिन नंबर डाल के एंटर करे तो ये होता है। एक स्वाइप और कर दीजिए, और एक बार, हाँ मतलब वो इसके लिए अभी नहीं, सेल्स वन, एंटर अमाउंट, कस्टमर अमाउंट, एंटर और रजिस्टर नंबर, बाद में एंटर, चिप कार्ड है तो नीचे दलना, नहीं तो वाईफाई कार्ड है तो टैप करना, बाद में पिन नंबर मांगते हैं, कार्ड का पिन नंबर डालना, एंटर कर दे पिन नंबर, ये हो गया कार्ड का। अभी आप मुझे ये स्कैनर दे रहे हो, स्कैनर दे रहे हो, इससे पहले मैंने ये एक ऐप भी डाउनलोड किए एम स्वाइप, स्कैनर है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी कर सकते हैं, और ये तो पॉकेट स्कैनर बोलते हैं, जब ट्रैवल करते हैं ना उस टाइम में आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, अभी एक्टिवेट करने का, अभी स्कैनर भी एक्टिवेट है, आप स्कैन भी कर सकते हैं, कार से भी कर सकते हैं। ओके फाइन, बस हो गया मैडम, ओके फाइन, थैंक यू जी। हाय गाइस, तो ये था अनबॉक्सिंग एम स्वाइप की मशीन का, और होपफुली मतलब वीडियो ठीक से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और थोड़ा सा बस बीच में अपरप सा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से जो पर्सन आए थे ने बहुत डिटेल में समझाया, बहुत अच्छे तरीके से, आराम से, पूरा तरीके से समझा के गए हैं, और बस मैं यूज़ करूँगी इसको थोड़े दिनों में, शॉप वॉप तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ और प्लान चल रहा है, क्या होगा वो आ गया वीडियो से पता चलेगा। तो बस यार सही है, और चैनल को इसी तरह से पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, मेन चीज़ कमेंट कीजिए,
आई रियली नीड कमेंट्स मोर देन एनीथिंग बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू सी कि मतलब किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, सही जा रही हूँ गलत जा रही हूँ. कुछ लोगों ने तो शुरू में बहुत साथ दिया था, वो धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं और कुछ सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं. एंड कुछ कंपनीज, बड़ी कंपनीज ने कुछ मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है. इसी ऐसा नहीं है कि मतलब इन सेंस शॉक रह गई या कुछ ऐसा है कि हाँ एक्सपीरियंस है ऑफिस का, लेकिन पता नहीं हर बार ना एक ये सोच के ही किसी भी कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी या ओके हम बड़ी कंपनीज का क्या मतलब होता है, बड़ी कंपनीज या लीडर्स का मतलब क्या होता है. यही होता है ना कि मतलब वो अपने से छोटे वालों को या मिडिल क्लास वालों को या जो ग्रो करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करें. बड़े का मतलब तो ये होता है कि छोटे को सपोर्ट करें, इससे ज़्यादा वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बड़े का क्या मतलब होता है. लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है, स्पेशल ट्विटर पे जिनके साथ रोज़ ट्वीट चल रहा है हमारा. और मतलब पता नहीं सॉल्यूशंस की तो जा ही नहीं रहे हैं, बात को खींचा जा रहा है. लेकिन कुछ बस कुछ कंपनीज ने बहुत साथ दिया है और मुझे सरप्राइज लग रहा है ICICI बैंक का सबसे ज़्यादा, क्योंकि किसी बैंक से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी. मैंने एक्चुअली जब 1-1.5 साल पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक्स पे लोन के लिए गई थी ना, लोन्स के लिए मैंने शुरू किया था. फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बेंगलोर जब आई थी तब मैंने कुछ और सोच कर आई थी, इतना मतलब ये स्टार्टअप वगैरह इतना नहीं सोचा था. ये सब कुछ जो चीज़ें हो रही है सरप्राइजिंगली हो रही है मेरे साथ, सिचुएशंस बनती जा रही है और मैं करती जा रही हूँ. लेकिन मैंने भी जब 2.5-3 साल पहले जब मैं रेगुलर बेंगलोर में नहीं रह रही थी, आ जा रही थी, तब मैं दिल्ली और बेंगलोर में मतलब मेरा अप डाउन चलता रहता था चंडीगढ़ और बेंगलोर में. तो उस टाइम पे जब मैंने जैसे नॉर्मल दिमाग में ये चीज़ थी कि पहले इन्वेस्टर ढूंढूंगी उसके बाद कोई बिजनेस शुरू करूँगी, इन्वेस्टर ढूंढूंगी कोई बिजनेस शुरू करूँगी, मेरे दिमाग में सच में यही था. तो काफ़ी बैंक्स वगैरह में मैं ट्राई कर रही थी उस भी लोन के लिए, लेकिन नहीं मतलब सुनना दूर की बात है कि मतलब इन द सेंस बैंक वाले बाहर से देते थे बाय बाय टाटा, न्यू आइडिया बाय बाय टाटा. मतलब न्यू आइडिया मतलब ये भी नहीं था तब, तो ये वाला आइडिया भी नहीं था, कुछ और आइडिया चल रहा था दिमाग में, तो बस टाटा करते थे. 2.5 साल तक जब तक मैं PG में थी तब तक मैंने इन द सेंस सिर्फ रिसर्च ही किया एक तरह से. वो है कि मैं बैंगलोर में कॉन्टीन्यूसली रह नहीं पा रही थी, कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा मैं बैंगलोर में कॉन्टीन्यूसली रही, नहीं तो मैं आती जाती रहती थी. तो या बीच में 1 साल और था जो मैं बीच में रही थी, मतलब इन द सेंस कि कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा बैंगलोर में स्टे किया मैंने, और पूरा प्लान भी चेंज हो गया सर, धीरे धीरे चीज़ें सारा जो प्रोफाइल था वो भी चेंज हो गया. और अब लेकिन तब जब मैंने ये शुरू किया ना, ये वाला जब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तब मैंने एक चीज़ सोच रही थी कि 3 साल तक मैं कोई भी इन्वेस्टर या किसी लोन के चक्कर में नहीं पड़ूंगी. लेकिन कोविड ने कोविड ने थोड़ा सा मतलब हिला दिया सबकी सेविंग्स, हिला दी. मैं तो क्या चीज़ थी, इसलिए मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए था, ICICI ने हेल्प कर दी और अभी भी कॉन्टीन्यूसली मेरा साइलेंट इन्वेस्टर बनकर चलता जा रहा है. ठीक है, अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा है. कुछ बड़ी कंपनी से ज़्यादा उम्मीद हो जाती है, उनसे बड़प्पन की ज़्यादा उम्मीद होती है. मतलब इन सेंस बिजनेस हो या कुछ भी हो यार, फैमिली हो, बिजनेस हो, आप ऑफिस में भी कोई आपका टीम लीडर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आप यही उम्मीद ये करनी चाहिए. होता है नहीं होता वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है. ये कुछ चीज़ें हैं जो कम होती जा रही हैं हमारे सोसाइटी से. एनीवेज मैं दोबारा सोशल एक्टिविस्ट नहीं बनूंगी, मैं सिर्फ अपने फोकस करूँगी अपने काम पर. तो बस ये है, इतना सी बात है कि थैंक यू ICICI बैंक वंस अगेन मुझे एक और हेल्प करने के लिए. एंड अब प्लीज़ तुम लोग ना कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से मुझे और टेंशन हो जाए कुछ.
तो बट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। और बस इतना ही था, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे सीरियसली कमेंट्स बताइए कमेंट्स में कि कैसा चल रहा है और आगे क्या हो सकता है और आगे मैं कैसे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।